हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पल्स मॉड्यूलेशन। तो इस वीडियो में हम पल्स मॉड्यूलेशन का बेसिक्स कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड देन आई विल मेक सेपरेट वीडियोस फॉर ईच मॉड्यूलेशन टेक्निक। जो भी इसके अंडर मॉड्यूलेशन टेक्निक्स है, पीएम, पीडब्ल्यूएम, पीपीएम, उसके ऊपर सेपरेट वीडियोस आएंगे। ओके, तो अभी पल्स मॉड्यूलेशन देखते हैं। अभी मॉड्यूलेशन का कंसेप्ट आपको पता है, आपने एनालॉग कम्युनिकेशन में ये ऑलरेडी पढ़ा है। तो पल्स मॉड्यूलेशन में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि योर कैरियर इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रेन ऑफ पल्सेस। अभी पल्स मॉड्यूलेशन का कंसेप्ट समझने के लिए मैंने ये ड्रॉ किया है सिंपल। अभी ये है ट्रेन ऑफ पल्सेस। तो जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि एक के बाद पल्सेस की ऐसे सीरीज है और उसको हम बोलते हैं हमारा कैरियर। ओके, सो इन पल्स मॉड्यूलेशन योर कैरियर इज इन द फॉर्म ऑफ पल्स ट्रेन। अभी ये जो डायग्राम है वो है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, मतलब पीएएम की। ओके, तो पीएएम में क्या होता है, आपके मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग आपके कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज होगा। मतलब जैसे यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है तो आपके कैरियर सिग्नल का भी यहाँ पे एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है। ओके, फिर यहाँ पे एम्पलीट्यूड जैसे बिहेव करेगा वैसे ही कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज होगा। ओके, तो ये जो आउटपुट आपको दिख रहा है वो सिर्फ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का सैम्पल्ड वर्जन है। इन टर्म्स ऑफ शेप दोनों सेम दिख रहे हैं, बट सिर्फ ये कंटिन्यूअस सिग्नल है और ये एक सैम्पल्ड सिग्नल है। अभी ये पीएएम हम डिटेल में दूसरी वीडियो में देखने वाले हैं, अभी हम सिर्फ पल्स मॉड्यूलेशन का ओवरव्यू ले रहे हैं, एक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। ओके, तो पल्स मॉड्यूलेशन में फर्स्ट टाइप होता है पीएएम, जो कि अभी हमने शॉर्ट में डिस्कस किया। इसमें क्या चेंज होगा, एम्पलीट्यूड चेंज होगा कैरियर का, और किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग। फिर सेकंड टाइप होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, मतलब पीडब्ल्यूएम। इसमें क्या चेंज होगी, विड्थ ऑफ पल्स चेंज होगी। मतलब यहाँ पे क्या था, विड्थ कॉन्स्टेंट है, फिर पोजिशन कॉन्स्टेंट है, बट एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। और यहाँ पे पीडब्ल्यूएम में क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड कॉन्स्टेंट है बट विड्थ चेंज हो रही है। तो जैसे आपके मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज होगा वैसे आपके कैरियर पल्स की विड्थ चेंज होगी। ओके, फिर थर्ड टाइप है पीपीएम, मतलब पल्स पोजिशन मॉड्यूलेशन। यहाँ पे एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, विड्थ भी कांस्टेंट रहेगी, बट जो पोजीशन है वो चेंज होगी। जैसे आपके मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज होगा वैसे कैरियर पल्सेस की पोजीशन चेंज होगी। ओके, फिर फोर्थ टाइप है पीसीएम। ये डिजिटल में आता है और ये तीनों एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन में आते हैं। पीसीएम कम्स अंडर डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन। इसमें क्या होता है, आपके मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग ऐसे कोड वर्ड्स बनते हैं और ये कोड वर्ड्स ट्रांसमिट किए जाते हैं। अभी ये कोड वर्ड्स कैसे आते हैं वो हम पीसीएम के वीडियो में डिटेल में देखेंगे। ओके, बट आपको एक ओवरव्यू मिल गया कि पल्स मॉड्यूलेशन के ये चार मेन टाइप्स है, पीएम, पीडब्ल्यूएम, पीपीएम एंड पीसीएम। अभी देखते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। परफॉर्मेंस ऑफ ऑल मेथड्स इज गुड एक्सेप्ट पीएम। तो पीएम छोड़ के बाकी सारे मेथड्स का परफॉर्मेंस अच्छा होता है। फिर पल्स मॉड्यूलेशन प्रोवाइड्स बेटर नॉइज परफॉर्मेंस, इसमें सिग्नल पावर भी ज्यादा नहीं लगती है। सो पल्स मॉड्यूलेशन कैन बी कंसिडर्ड एज एन एफिशिएंट मॉड्यूलेशन टेक्निक। ओके, अभी इसके डिसएडवांटेजेस भी है कुछ। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि इसको बैंडविड्थ ज्यादा लगती है, क्योंकि ये पल्स मॉड्यूलेशन है, इसमें पल्सेस है। ओके, तो इसको बैंडविड्थ ज्यादा लगेगी। और दूसरी चीज, ये एक्सपेंसिव और थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। ओके, तो अभी इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करने वाला है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग में हम सैम्पलिंग प्रोसेस, सैम्पलिंग थ्योरम और सैम्पलिंग के टाइप्स कवर करेंगे। फिर इसके बाद पीएम, पीडब्ल्यूएम और पीपीएम, पीसीएम को हम डिटेल में देखेंगे। इसके बाद भी है डीएम है, फिर एडीएम है, वो भी हम देखने वाले हैं। तो मैं पूरा डिजिटल कम्युनिकेशन कवर करने वाली हूँ इन अपकमिंग वीडियोस। सो सब्सक्राइब करके रखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ये पूरी प्लेलिस्ट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।